नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों जनता दरबार लगाने की बात हर राजनेताओं की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सालों के बाद जनता दरबार की शुरुआत एक बार फिर से किए हैं, वो जनता से सीधे सीधे रूबरू होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, वहीं अब तारकिशोर प्रसाद की तरफ से भी जनता दरबार लगाया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मंगलवार को जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता से वो रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। एक मंगलवार को 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे राज्य भर से अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग आते हैं और उसमें जमीन विवाद, फिर कई योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ होना है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कल्याणकारी योजना है तो उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मुख्य रूप से देख रहे हैं कि जमीन विवाद सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो जनता दरबार लगाया था, ये कोई ढकोसला है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं देखिए, समस्या का समाधान तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते ही हैं और हम लोग तो उस जनता दरबार में अपने अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनके साथ रहते हैं और काफ़ी गंभीरता से इस तरह के समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहल करके उसका निदान भी करते हैं और नियमानुसार निर्देशित भी करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि तारकिशोर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं लोगों की समस्याओं को सुनना चाहता हूं, इसीलिए मैं जनता दरबार लगाता हूं और जो भी लोग यहां पर समस्या लेके आते हैं उनका जल्द से जल्द निदान किया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी ही पार्टी को भरोसा नहीं है? क्योंकि जहाँ बीजेपी और जदयू में हमने हमेशा से सुना है कि बीच में टकराव चल रहा है और अब अलग अलग तरीके से जनता दरबार भी लगाई जा रही है, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? क्योंकि वो अलग से क्यों अपनी जनता दरबार लगा रहे हैं, क्यों जनताओं की बात को सुन रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगा के जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं तो उन्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अभी हर राजनेता अपनी अपनी तरीके से जनता दरबार लगा रहा है। वहीं तारकिशोर प्रसाद मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं जहाँ वो जनता से मुलाकात करते हैं, उनकी शिकायत को सुनते हैं और उसके समाधान को करते हैं। लेकिन समाधान होता है या नहीं, ये तो आगे ही देखना होगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।